to start with DNA replication. The DNA replication, last time we studied that DNA replication is semi-conservative. It is semi-conservative. Okay, when the DNA replication, suppose this is DNA molecule. The DNA replication starts at a special point called origin of replication. Okay? The presence of origin of replication, so also called ORI, presence of origin of replication is a must to start replication. A DNA segment not having origin of replication will not be able to replicate. Only a DNA segment having origin of replication will be able to replicate. Start yahan se hoti hai, origin of replication se. ठीक है, स्पेशल सेगमेंट होता है, तो दिस स्पेशल सेंटर इज रिक्वायर्ड फॉर बिगनिंग ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, तो क्या हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड इज स्मॉलर इन साइज, इट यूजुअली हैज अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. प्रोकैरियोटिक डीएनए नॉर्मली हैज सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स सिंस क्रोमोसोम्स आर लॉन्गर इन साइज, डीएनए मटेरियल इज मोर, तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस इट हैज गॉट मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इट हैज गॉट मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, suppose in this chromosome there are four regions having origin of replication. So there are four regions. Okay, so each region is called a replicon. Replicon is a unit of replication. So ye jo chromosome which we have drawn, this chromosome will replicate in the form of four units. It will replicate in the form of four units. Four aisa hoga na, ye ek unit ki tarah, it is behaving like one unit, this is behaving like another unit, ये अनदर यूनिट है ऐसे. तो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, फोर यूनिट्स ऑफ, एंड ईच यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन. बट इन प्रोकैरियोट्स द एंटायर क्रोमोसोम विल बिहेव एज सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल रेप्लिकॉन. द एंटायर क्रोमोसोम, प्रो क्रोमोसोम बेसिकली, द एंटायर प्रो क्रोमोसोम विल बिहेव एज अ सिंगल रेप्लिकॉन. ठीक है, एक यहां पे पॉइंट मेंशन है वेक्टर्स का, दैट विल डिस्कस इन बायोटेक्नोलॉजी, दैट वेक्टर्स हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे. ठीक है, मुझे एनसीईआरटी हैज मेंशन दैट दिस डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई टेक्स अबाउट 38 मिनट्स. ठीक है, ऑल दो इन द लास्ट पैराग्राफ इट इज मेंशन दैट डबलिंग और जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाई इज 20 मिनट्स. है ना, हमने मॉनोमर भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, स्टडी किया था कि डीएनए उसका इकोलाई का जनरेशन टाइम कितना होता है, 20 मिनट्स. तो ये भी एक एनसीईआरटी की कंट्रोवर्सी है, इकोलाई डबलिंग टाइम कितना मेंशन किया, जनरेशन टाइम कितना है 20 मिनट्स. तो हाउ कैन डीएनए रेप्लिकेशन टेक मोर देन दैट टाइम, 38 मिनट्स कैसे हो सकता है. बट एनसीईआरटी मेंशन है तो ये याद करना पड़ेगा आपको, तो रिमेंबर इट एज सच. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई टेक्स हाउ मच टाइम, 38 मिनट्स. ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर इकोलाई हैज गॉट 4.6 इनटू 10 रेज़ टू पावर 6 बेस पेयर्स. तो कट इफ वी कैलकुलेट द रेट ऑफ रेप्लिकेशन इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड. ये रेट भी याद कर लेना, एनसीईआरटी में मेंशन है. ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए रेप्लिकेशन
this point is not important. Sometimes replication is unidirectional. ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए नॉर्मली शोज यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द डीएनए शोज बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन. बाई डायरेक्शन मीन्स प्रोसीडिंग इन टू डायरेक्शंस, यूनिडायरेक्शन मीन्स यू प्रोसीडिंग इन वन डायरेक्शन. कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, नाउ स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. ये रेप्लिकेशन में अगर उसका एक हम सिंप्लीफाइड वर्जन देखें, अब सपोज दीज आर टू डीएनए स्ट्रैंड्स. ठीक है, दिस इज वन, दिस इज वन डैश. वन विल रेप्लिकेट एंड फॉर्म वन डैश, वन डैश विल फॉर्म वन. है ना, सपोज यहां पे ए टी सी जी है सीक्वेंस. ठीक है, यहां पे भी टी ए जी सी. For repetition to occur, if one has to form one dash and one dash has to form one, these strands must separate and open up. These strands must separate and open up. Separation is here, na? So separate bhi honge. Aur yahan pe karna kya? In front of A, we will join T. Yahan iske opposite A, iske opposite G, iske opposite C. Aur yahan pe aise iske opposite A. टी सी जी ऐसे ज्वाइन करेंगे. तो उसमें हमें यहां पे द ओनली थिंग विच इज विच हैज टू बी डन, यहां पे दीज न्यूक्लियोटाइड्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स दे हैव टू बी ब्रॉट एंड फिक्स्ड हियर. एक बार ये फिक्सेशन हो जाएगी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑल्सो टू बी प्रोड्यूस्ड. बस और ऐसे बन जाएंगे. तो ऐसा करना होता है. ठीक है, ये सिंपल सा वर्शन है कि इसको ऐसे ये दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, एक से दो बन गए. एंड ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड हैज कम फ्रॉम द पेरेंट एंड द अदर हैज बीन फॉर्म्ड फ्रेश. ठीक है, और इसकी ये तो चलो सिंप्लीफाइड वर्शन है. अब इसमें क्या है, तो ये जो हमने दीज न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव बीन फिक्स्ड इन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस, फर्स्ट दे मस्ट बी एक्टिवेटेड, फर्स्ट दे मस्ट बी एक्टिवेटेड, ओनली देन दे कैन बी फिटेड इन टू दीज प्लेसेज. इन द एक्टिवेटेड मीन्स नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, फोर. डी ए एम पी, डी सी एम पी, डी टी एम पी, डी जी एम पी, यही फोर होते हैं ना. दीज आर मोनोफॉस्फेट फॉर्म्स, दीज आर मोनोफॉस्फेट फॉर्म्स. फर्स्ट दे विल बी एक्टिवेटेड टू ट्राईफॉस्फेट फॉर्म्स, फर्स्ट दे गेट एक्टिवेटेड टू ट्राईफॉस्फेट फॉर्म्स. डी एम पी इज कॉल्ड टू डी ए टी पी. व्हाट इज डी ए टी पी? डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डी ऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, तो दे हैव टू बी एक्टिवेटेड, दे विल बी एबल टू ज्वाइन एट दीज प्लेसेस ओनली इन देयर एक्टिवेटेड फॉर्म्स. तो इसमें फॉस्फेट ऐड किया, दिस इज फॉस्फोरिलेशन. व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट. तो दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, ऑब्वियसली एटीपी यूज होंगे. ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स है यहां पे एक्स्ट्रा फॉस्फेट है, कहां से है? एटीपी से. एंड द एंजाइम्स, यू हैव टू रिमेंबर द एंजाइम्स आल्सो, एंड द एंजाइम इज फॉस्फोरिलेज, एंजाइम इज फॉस्फोरिलेज. ठीक है, एंजाइम इज फॉस्फोरिलेज एंड एटीपी इज आल्सो यूज. सो ये तो प्रोसेस हुआ एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दिस इज वन स्टेप. ठीक है, नेक्स्ट इज डीएनए. ऑल ऑफ यू नो डीएनए अकर्स इन अ कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड फॉर्म. कॉइल्ड भी है, सुपर कॉइल्ड भी है. कॉइल्ड फॉर्म एंड सुपर कॉइल्ड फॉर्म. व्हाट इज सुपर कॉइलिंग? आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज सुपर कॉइलिंग. तो फर्स्ट दे आर कॉइल्ड, देन सुपर कॉइल्ड ऑल्सो. ठीक है,
तो रेप्लिकेशन कैन नॉट अकर इन कॉइल्ड और सुपर कॉइल फॉर्म. फॉर दैट डीएनए स्ट्रैंड्स हैव टू बी मेड स्ट्रेट, देन सेपरेशन हैज टू अकर. तो इसको हमें अनकॉइल करना पड़ेगा. सुपर कॉइल्स नीड टू बी रिमूव्ड एंड कॉइलिंग ऑल्सो नीड्स टू बी रिमूव्ड. ठीक है, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स. वन इज टोपो आइसोमरेज. कॉइलिंग कैन सुपर कॉइलिंग जो है, सुपर कॉइलिंग कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. व्हाट डज इट मीन नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग? डायरेक्शन सेंटी क्लॉक बोल दिया, नेगेटिव है क्लॉक वाइज पॉजिटिव, जस्ट डायरेक्शन. तो सुपर कॉइल्स कैन बी देयर. एंजाइम टोपो आइसोमरेज हेल्प्स इन रिमूविंग सुपर कॉइल्स. इट बेसिकली हेल्प्स इन रिमूविंग सुपर कॉइल्स. इट बेसिकली हेल्प्स इन रिमूविंग सुपर कॉइल्स. दिस वन मोर फंक्शन वो इंपॉर्टेंट यहां लिखा हुआ है, दैट टोपो आइसोमरेज प्रोड्यूसेस निक्स. निक मींस अ शॉर्ट ब्रेक, अ स्मॉल ब्रेक. इट प्रोड्यूसेस निक्स इन डीएनए स्ट्रैंड एंड कैन ऑल्सो रीसील. जैसे डीएनए स्ट्रैंड है उसमें यहां पर स्मॉल निक क्रिएट करना, उसको दोबारा से सील करना. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टोपो आइसोमरेज, बट दैट इज नॉट द फंक्शन विच इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट रिमूविंग सुपर कॉइल्स. सो दिस कैन हेल्प इन रिमूविंग सुपर कॉइल्स. ठीक है, एंड इन प्रोक्रॉस देयर इज अनदर एंजाइम कॉल्ड गायरेज. There's another enzyme called gyrase. ठीक है, it performs the same function. It also removes the super coils. It also removes the super coils. ठीक है, super coils remove करती. अब जो coiled, helically coiled DNA है उसकी भी uncoiling करनी है. That is done with the help of helicases or unwindases. That is done with the help of helicases or unwindases. ठीक है, unwindase or helicase. It will remove the, it will uncoil the double stranded DNA molecule. ठीक है, तो uncoil होगा ऐसा बन जाएगा. ठीक है, तो ये when it is opened and it assumes this form. अब ऐसा ना कि सपोज यू अनकॉइल अ स्प्रिंग एंड यू लीव इट, व्हाट विल हैपन? इट विल अगेन कॉइल. तो डीएनए स्ट्रैंड भी यू स्ट्रेट इन द डीएनए स्ट्रैंड, बट इट विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म दोज कॉइल्स. तो सर्टन फैक्टर्स कीप देम स्टेबलाइज इन दिस अनकॉइल फॉर्म. सम फैक्टर्स आर नीडेड टू कीप दिस डीएनए इन दिस अनकॉइल स्ट्रेट फॉर्म. ठीक है, वो हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होते हैं, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स. व्हाट आर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स और हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स? दे हेल्प इन होल्डिंग दीज मॉलिक्यूल्स इन अनकॉइल्ड स्ट्रेट फॉर्म. ठीक है, तो इसमें ना इसमें जो स्ट्रेट भी कर देते हैं ये जो एंजाइम है, दे स्ट्रेटन दीज डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो सेपरेट दैम. सेपरेट करने वाले जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें जो बीच में डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो दो बॉन्ड्स आर ब्रेकन ब्रोकन एंड सम पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल गेट्स सेपरेटेड. द डबल बॉन्ड्स गेट ब्रोकन डाउन एंड द डीएनए मॉलिक्यूल्स बिकम सेपरेटेड. ये जो सेगमेंट्स हैं थिक बनाई है, ये क्या है? दीज सेगमेंट्स हैव गॉट सेपरेटेड. ठीक है, तो डीएनए स्टार्ट्स गेटिंग सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वाई शेप स्ट्रक्चर. ऐसे ओपन किया ना तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया ना, फोक जैसा स्ट्रक्चर बन गया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेप्लीकेशन फोक. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेप्लीकेशन फोक. इज ऑल्सो कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक. समझाया? ठीक है, इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर. द एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉट सेपरेटेड एट द सेम टाइम. इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू सेपरेट द एंटायर स्ट्रैंड एट वन टाइम. तो
तो नॉर्मली इट सेपरेट्स इन पार्ट्स, इतना सेपरेट हो गया, फिर ये सेपरेट हो जाएगा, फिर से आगे सेपरेट हो जाएगा, तो इट कीप्स ऑन गेटिंग सेपरेटेड, ठीक है, स्लोली स्लोली. इसको ये जो फंगस बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क. अब आगे चलते हैं. तो ईच डीएनए स्ट्रैंड हैज गॉट इट्स डायरेक्शन. Suppose this is this strand is in this is 3 dash direction, this is 5 dash. इसमें ये end कौन सा होगा? 5 dash and this will be 3 dash. ठीक है, तो यहां पर भी एक strand बनेगा और इधर भी एक strand बनेगा. फिर न्यू स्टैंड विच इज सिंथेसाइज, जो भी नया स्टैंड बनेगा इट इज ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5 dash to 3 dash direction. The new strand is always synthesized in 5 dash to 3 dash direction. ठीक है, अच्छा अगर यहां पे 5 dash to 3 dash बनना रहे, इसमें 5 dash to 3 dash, तो इसका एंड यहां पे कौन सा होगा? 5 dash. इस तरह कौन सा आएगा इसका? 3 dash. तो फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रैंड विल प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. जो यहां पे स्ट्रैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा? यहां से स्टार्ट होगा. अगर यहां से स्टार्ट होगा तो क्या डायरेक्शन बन जाएगी? 3 डैश, बट इट हैज टू बी 5 डैश टू 3 डैश, टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड. 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन किसकी देखनी है? पेरेंट स्ट्रैंड, दिस इज अ पेरेंट स्ट्रैंड, पेरेंट स्ट्रैंड और द न्यू स्ट्रैंड. न्यू स्ट्रैंड, new strand has to be extended in 5 dash to 3 dash direction. ठीक है, तो एक ये स्ट्रैंड बन रहा है, एक ये स्ट्रैंड बन रहा है, ये 5 dash to 3 dash direction. ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया इसमें. और इसमें ना जो इनिशियली ना डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर चेन इलॉन्गेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज कैन कंटिन्यू द डीएनए सिंथेसिस बट इट कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस. डीएनए सिंथेसिस कैन बी कंटिन्यूड, कैन बी कैरिड आउट बाय डीएनए इलॉन्गेशन, कैन बी कैरिड आउट बाय डीएनए पॉलीमरेज बट नॉट इट्स इनिशिएशन. डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस, इट कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस. अब इसमें इसलिए क्या होता है, इसमें जो इनिशियल यहां पे एक सेगमेंट लगती है ना, दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट इज ऑफ आरएनए. तो इनिशियली फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स विच आर एडेड हियर डू नॉट बिलोंग टू डीएनए, they belong to RNA, they belong to RNA. तो कुछ RNA के यहां पे न्यूक्लियोटाइड आके ज्वाइन होते हैं. ठीक है, नॉट ऑफ DNA. इट सो बिकॉज दिस डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस. यहां पे एक स्पेशल अलग एंजाइम होता है कॉल्ड प्राइमेज. एक्चुअली दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए, दिस स्मॉल सेगमेंट यहां भी बनेगी, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए विच इज प्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ डीएनए चेन. अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए विच इज प्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ डीएनए चेन इज कॉल्ड प्राइमर, इट इज कॉल्ड प्राइमर. तो वेयर एवर चेन प्रेसेंसेस ऑफ डीएनए चेन हैज टू बी स्टार्टेड, फर्स्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए विल बी फॉर्म्ड एंड दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए इज कॉल्ड प्राइमर, इट इज कॉल्ड प्राइमर. एंड दिस primer is joined with the help of enzyme called primase. It is done with the help of enzyme called
प्राइमेज, ठीक है. प्राइमेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग आरएनए मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है. एंड सिंस इट इज वर्किंग ऑन डीएनए चेन इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है. दिस इज अनदर नेम फॉर प्राइमेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. एंड व्हाई दिस प्राइमर हैज टू बी सिंथेसाइज्ड, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस, इट कैन ओनली इलोंगेट द चेन. जैसे ट्यूब में होता है ना, ट्यूबलाइट में वी हैव अ स्टार्टर, वी हैव अ चोक. ट्यूब बेसिकली रन ऑन चोक और ऑन स्टार्टर. चोक, स्टार्टर इज ओनली रिक्वायर्ड टू स्विच ऑन द ट्यूबलाइट. वंस दैट फंक्शन इज डन, देन स्टार्टर इज नॉट रिक्वायर्ड. तो सेम इज द केस ऑफ डीएनए सेंसेस. तो इनिशियली वी नीड दिस, दिस प्राइमर इज बेसिकली एक्टिंग एज अ स्टार्टर. तो वंस इट विल इनिशिएट द प्रोसेस, दिस प्राइमर इज नॉट रिक्वायर्ड. आफ्टरवर्ड दिस प्राइमर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस एरिया. हमने अगर प्राइमर हैज टू बी रिमूव्ड आफ्टरवर्ड्स, तो डीएनए का स्ट्रक्चर ही ऑल्टर हो जाएगा. वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बट वी हैव नेवर रेड दैट एट वन एंड ऑफ डीएनए देयर इज स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए. पढ़ा कभी ऐसा कि कुछ पार्ट डीएनए में कुछ आरएनए के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे? पढ़ा कभी? वी हैव नेवर रेड इट. तो इसका मतलब क्या होगा? तो दिस प्राइमर इज रिमूव्ड आफ्टरवर्ड्स, इट हैज टू बी रिमूव्ड, अदरवाइज इट विल डिसरप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो दिस इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 1. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दिस हैज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ, दिस हैज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 1. तो ये ना यहां से इसको प्राइमर को रिमूव कर देगा, एंड इन प्लेस ऑफ दैट इट विल फॉर्म, इट विल अटैच न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए. यहां पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे. पहले एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट था, अब क्या आ जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1? टू रिमूव आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेस दोज न्यूक्लियोटाइड विद डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड. वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से अब क्या आगे अटैच होंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड. तो यहां पे एक ऐसे बन जाएगी, ये एक ऐसे एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है. देन दिस स्मॉल पार्ट हैज टू बी ज्वाइंट विद द डीएनए चेन जो बन रही थी आगे. तो दिस ज्वाइनिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड लाइगेज. इफ यू रिमेंबर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम, देयर इज अ क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड लाइगेज. फंक्शन ऑफ लाइगेज इज टू ज्वाइन, ज्वाइन द सेगमेंट्स. तो दीज डीएनए सेगमेंट्स विल बी ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम. तो प्राइमर इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है. एंड दैट स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज प्रोड्यूस्ड is attached to rest of the segment with the help of ligase, ठीक है. तो जो primase enzyme था ना, primase enzyme which results in formation of primer, exact जो उसकी यहां पर था number देखे हैं, but different numbers are mentioned in different books. How many nucleotides are present in this primer? तो वो कोई इतना important भी नहीं है, how many nucleotides are there. तो ये द फंक्शन ऑफ प्राइमेज, द फंक्शन ऑफ प्राइमेज इन यूकेरियोट्स इज कैरिड आउट बाय एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फा? इट्स एन एंजाइम इन यूकेरियोट्स व्हिच एक्ट्स एज प्राइमेज. प्राइमेज मींस इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, ठीक है. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स. मोस्ट ऑफ आवर रिसर्च इन जेनेटिक्स
is based on studies on prokaryotes. Bacterial genetics काफी advanced branch है. तो ये जो processes, replication, transcription, protein synthesis, तो they have been well studied in prokaryotes. तो कहीं पे mention ना हो क्या कोई fact, तो it is understood that we are talking about prokaryotes. ठीक है. तो जो DNA polymerases normally हम बात करते हैं ना, DNA polymerases, there are three types of DNA polymerases. Three types of DNA polymerases. One, two, and three. In prokaryotes there are three types. DNA polymerase one, two, and three. ठीक है? And in eukaryotes there is alpha, beta, delta, gamma, epsilon. ये types हैं eukaryotes में. किसकी टाइप्स है? डीएनए पॉलीमरेज़ की. ठीक है. देन अगेन नाउ ये जो इन प्रोकैरियोट्स देयर मोर दीज एंजाइम्स आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये तो ये रिसेंट रिसर्च पे बेस्ड है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं बुक्स में, तो ये वाले तो आपको अच्छे से आने चाहिए. डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है, दिस इज अ मेन पॉलीमरेज़ व्हिच इलोंगेट्स द डीएनए चेन. जो डीएनए सिंथेसिस में चेन इलॉन्गेट होती है ना, इट इज मेनली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3. द चेन इलॉन्गेशन, जो चेन अभी इलॉन्गेट होती है ना, यहां पे जो आगे आगे चलती है, जैसे यहां से ऐसे आगे चलती है. ठीक है. तो ये चेन इलॉन्गेशन इज मेनली विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3. दीज टू enzymes mainly act as repair enzymes. These two enzymes mainly act as repair enzymes. अभी करेंगे repair भी. This is a major repair enzyme. One, two is the minor repair enzyme. तो both of them mainly help in repair. Repair means sometimes wrong bases are introduced into the DNA chain. तो these wrong bases, those wrong bases have to be removed and replaced with the normal ones. So that is done with the help of DNA polymerase 1 and DNA polymerase 2. 3 mainly carries out the function of elongating DNA chain. ठीक है. तो जिस पर ये जो अभी हमने डिस्कस किया, the polymerization activity means process of elongation. It is carried in which direction? So all these three enzymes have the ability to elongate or polymerize the chain in 5-2-3- direction. DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, and DNA polymerase 3 all have ability to polymerize DNA in which direction? 5-2-3- direction. ठीक है. ये all these polymerases can also act as exonucleases. These are two different opposite activities. Polymerization means elongating the chain. Exonuclease activity means cutting the DNA strand. Opposite होगी ना, इसे तो elongate कर रहे हैं, इसमें काट रहे हैं. Exonuclease होता है, एक होता है endonuclease. Both enzymes damage the nucleic acids. Both damage the nucleic acids. अगर यहाँ से बीच में से कहीं से काट के इसकी segments बना दें, तो that enzyme is endonuclease. Exonuclease क्या होता है? बिल्कुल end pack करेगा. It will remove nitrogenous bases one by one. It will remove the nitrogenous bases one by one. ठीक है? तो I mean to say these three enzymes, DNA polymerase 1, 2 and 3 all have polymerizing activity in 5-2-3- direction. In 5-2-3- direction. ठीक है. दे ऑल्सो हैव, ऑल थ्री ऑल्सो हैव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. ठीक है. इन 3-2-5- डायरेक्शन, इन 3-2-5- डायरेक्शन दे हैव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. तो ये फॉर्चुनेटली देयर पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी डोमिनेट्स ओवर देयर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, अदरवाइज दे विल कीप ऑन कॉजिंग डैमेज टू आर डीएनए. ठीक है, ये याद हो गया. देयर इज एडिशनल पॉइंट.
this major repair enzyme, which also helps in removing the primer and replacing with nucleotides of DNA. DNA polymerase 1. Yeah, it has a special property of axonuclear activity in 5' to 3' direction. I'll repeat, we'll summarize. All three enzymes have polymerizing activity in 5' to 3' direction, and all have axonuclease activity in 3' to 5'. क्या मतलब इसका मतलब क्या है कि एक DNA strand है इसका 5' end है ये 3' end है तो all three enzymes can remove nitrogen nucleotides one by one from which end this end यहाँ से remove करेंगे तो ऐसे से करके remove करेंगे तो कौन सी direction में proceed removal के time while synthesizing they will proceed in 5' to 3', while removing they will proceed from 3' to 5'. But DNA polymerase 1 has a special ability. What special ability? They can remove nitrogen nucleotides from 5' in 5' to 3' direction. ठीक है? All this is important. Now, these enzymes which are not very important, वैसे इतना difficult भी नहीं है. Alpha I just told you in eukaryotes, DNA polymerase alpha acts as primer. It acts as primer. Primase, in fact, It acts as enzyme primase. ठीक है? Beta and epsilon they act as repair enzymes. Beta and epsilon they act as repair enzymes. ठीक है? Gamma helps in replication of mitochondrial DNA. Gamma helps in replication of mitochondrial DNA. This is not very important. याद हुआ तो करना. Delta is required for replication of nuclear DNA. Delta is required for replication of nuclear DNA. ठीक है? ये हो गया. ये हो गया एक्सोन्यूक्लियस. तो इसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था. एक रेप्लिकेशन फोर्क बन गया था. द एंटायर डीएनए स्ट्रैंड इज नॉट ओपन्ड इन वन गो. ऐसे ऐसे करके खुलता फिर आगे खुलेगा. ये 3' एंड है इसका, ये 5', इसका ये 3', इसका ये 5'. इस पे डायरेक्शन में प्रोसीड करी थी सेंसेस. ठीक है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर इसमें इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसका ये 5', इसका ये 3', एंड रेप्लिकेशन हैज टू प्रोसीड इन 5' टू 3' डायरेक्शन. ये हो गया. और इसमें सिंपल सा पॉइंट है बेस पेयरिंग. अब यहां पे जो भी बेसिस थे वो पेयर में तो है नहीं, वो तो सेपरेट हो गए यहां से. यहां पे सपोज ए टी जी सी है. यहां पे कह रहे थे कि वो आके यहां पे इसके सामने आएंगे तो ही बनेगा ना, बेस पेयरिंग होगी ना. वो जो हमने देखा था द नाइट्रोजनस द न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन एक्टिवेटेड फॉर्म. ठीक है? तो दे विल कम हियर, जैसे यहां पे सी के सामने ही आ जाएगा. बट इट विल नॉट बी ज्वाइनिंग इन इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म. ये तो एक्टिवेटेड फॉर्म है ना, ज्वाइन किस फॉर्म में होने, डी एम पी जी एम पी डी जी एम पी के फॉर्म में एक्टिवेट होगा ना. वो तो एक बार टेम्पररी प्रोसेस था. जो मोनोफॉस्फेट फॉर्म थी डी ऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट वॉज एक्टिवेटेड टू डी ऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट. But when base pairing has to occur, this triphosphate form will be converted back to monophosphate form. So DGTP will convert to, जैसे DGTP है, will be converted to DGMP. कितने phosphate release हो जाएंगे? 2. तो उसको बोलते हैं pyrophosphate, ये PPI plus energy.
endenzyme is pyrophosphatase. Enzyme is pyrophosphatase. So at that point, DGTP is equal to DGMP plus pyrophosphate plus energy. ये pyrophosphate का reaction हमने कहीं और की है? जैसे ATP being converted to, normally ATP is converted to ADP, but in some cases ATP is converted to AMP or AMP is converted to ATP. कुछ ऐसा reaction पड़ा कहीं पे? कहाँ पे? C4 cycle, hash like pathway याद है? तो कुछ rare reactions आएंगे दो तीन हमारे से उसमें. Normally तो ADP ATP is converted into ADP. ठीक है? तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी दैट विल बी यूज्ड फॉर बेस पेयरिंग. यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उसमें हेल्प कर देगी. तो बेस पेयरिंग के टाइम द फॉर्म्स व्हिच आर एक्टिवेटेड दे विल बी कन्वर्टेड बैक टू मोनो फॉस्फेट फॉर्म्स. एनर्जी विल बी रिलीज व्हिच विल बी यूज्ड टू फॉर्म बॉन्ड्स ड्यूरिंग बेस पेयरिंग. ठीक है, तो एक बेस पेयरिंग का स्टेप हो गया. तो एक तो ऐसा ना, ये देखो एक सेगमेंट बन रही है यहां पे ए टी जी सी है, तो इसके सामने टी आ गया, यहां पे ए सी जी बंगी चेन बंगी नहीं बनी, हमेशा बना देते चेन विदाउट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये तो बना है ना, चेन तो कभी बनेगी ना व्हेन दीज बॉन्ड्स आर आल्सो फॉर्मड. समझ आ गया ना? तो दिस ये तो पॉलीमराइजेशन ही है ना, ये जो हम ऐड करते जा रहे हैं इसको, ये जो बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन और चेन इलोंगेशन. वो कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3. बेस पेयरिंग के टाइम पे नहीं, बेस पेयरिंग के तो टाइम पे तो पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम होता है, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम तो वो हेल्प कर देता है बेस पेयरिंग के टाइम पे बाय रिलीजिंग एनर्जी. जो पॉलीमराइजेशन है, इलोंगेशन है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. विच वन? 3. डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम. डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम. ठीक है, 1 इज मेनली बोलो रिपेयर, मेजर रिपेयर एंजाइम. 2 माइनर रिपेयर एंजाइम. प्राइमरी इज रिप्लेस्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1. ठीक है, समझ आएगा पॉइंट? तो ये बस ये डीएनए पॉलीमरेज 1-3 का भी फंक्शन हो गया, 3 का. नाउ दिस मच पार्ट हैज बीन फॉर्मड, देयर बी फर्दर चेन ओपनिंग. फिर इतना पार्ट ओपन हो गया, डीएनए का इतना ओपन हो गया, फिर ये भी ओपन हो गया. सोच में ओपन होता है ना, एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सेपरेटेड एट द सेम टाइम. तो भी इतना पार्ट ओपन हो गया यहां से लेके यहां तक. ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली. नो रेप्लिकेशन हैज टू प्रोसीड इन विच डायरेक्शन? 5-3 डायरेक्शन. ठीक है, तो ये ओपन हो गया, ये इसका 5 है, 5 है ना, तो ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा. इट इज डायरेक्शन नॉट एंड. नाउ डोंट से कि ये तो 3 एंड है तो इसके अंदर 5 आएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा ना. तो ये तो इसका इधर 3 ही चलता रहेगा, तो आगे ऐसे चलता रहेगा सेंसेस, यहां से ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा. अच्छा, इस केस में ये जो केस है, ये केस ध्यान से देखो, दिस इज अ 5 एंड एंड दिस इज अ 3 एंड. 5 एंड एंड 3 एंड. अब आगे चेन किधर को बनेगी? अब यहां से ओपन हुआ है, या तो यहां से इधर बने, दिस इज सपोज केस 1, या फिर इधर से इधर बने केस 2. कौन से डायरेक्शन में बनेगी? 1-2-2 और 2-1? इट हैज टू फॉर्म इन 1-2-2 डैश. आप ये नहीं सोचेंगे इसका 5 एंड है तो यहां से ऐसे शुरू कर दो, ऐसे शुरू होता है कि यहां 3 एंड, यहां बीच में 5, इधर फिर 3, ऐसे होता है? ऐसे ना होगा. तो ये कहां से प्रोसीड करेगी? यहां से,
ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ठीक है। ये तो कॉन्टिन्यूसली चला गया ऐसा, इट इज कॉन्टिन्यूइंग एज सच, ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया। इसमें इसमें डिसकॉन्टिन्यूस, पहले इतनी सेगमेंट बनी, फिर इतनी सेगमेंट बनी, और जब व्हेन दिस सेगमेंट विल बी फॉर्म, डू यू नीड, वी नीड अनदर प्राइमर। यहां पे चेन, यहां पे सेगमेंट स्टार्ट हुई ना अलग से सेपरेटली, यू थिंक वी नीड प्राइमर एट दिस स्टेज ऑल्सो? यस, एवरी टाइम डीएनए सेंसेस हैज टू बी स्टार्टेड एनीवेयर, सपोज 10 टाइम्स यू हैव टू स्टार्ट, 20, 30 टाइम्स यू हैव टू स्टार्ट, एवरी टाइम प्राइमर विल बी नीडेड। प्राइमर तो लगेगा, बनेगा ही बनेगा, तो यहां प्राइमर तो बनेगा। यह ऐसी चेन ओपन, जो डीएनए स्टैंडर्ड वर्जन डीएनए, इट विल कीप ऑन ओपनिंग लाइक दिस, लाइक अ जिप, तो इट आल्सो कॉल्ड जिपर रेप्लिकेशन, इट आल्सो कॉल्ड जिपर रेप्लिकेशन। व्हाई? द टू डीएनए स्टैंड्स कीप ऑन ओपनिंग लाइक अ जिप, तो दिस इज जिपर डीएनए रेप्लिकेशन, जिपर रेप्लिकेशन, ठीक है। तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज दैट वन डीएनए स्टैंड विल बी फॉर्मड continuously, the other DNA strand will be formed discontinuously. It is formed in the form of fragments called Okazaki fragments. Okazaki, Japanese scientist, ऐसी नेम होते हैं जापान में, Okazaki, Nagasaki, Kawasaki, है ना, तो इस Okazaki, तो इधर Okazaki fragments, ठीक है, very important. These Okazaki fragments are very important. क्या है कोरा की फ्रेगमेंट्स? द डीएनए फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए सेंसेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द लैगिंग स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड डिसकॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, तो इज वन लीडिंग स्ट्रैंड, वन लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें इसमें फ्रेगमेंट्स में क्यों बन रहे? बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी इज बींग फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स, because of property of getting polymerized only in one direction, which direction? 5-3-, ठीक है। तो जितनी होगा तक की फ्रेगमेंट बनेगी, every time a new primer will be produced, primer is replaced by DNA polymerase one, so leading strand, lagging strand, समझ आ गया, होगा तक की फ्रेगमेंट्स सारे आ गए समझ, zipper replication, ठीक है, everything should be clear, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए, इन वन स्ट्रैंड इट इज कॉन्टिन्यूस, इन अदर स्ट्रैंड इट इज डिसकॉन्टिन्यूस, तो वील कॉल इट कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, वी यूज द टर्म सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, वैसे इतना ही इंपॉर्टेंट है सेमी डिसकॉन्टिन्यूस। उसमें कहते हैं कि अगर हम ये तो हमने देखा ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन रेप्लिकॉन, बट इन यूकॉटिक डीएनए देर आर मेरी रेप्लिकॉन्स, तो ये रेप्लिकॉन लग से रेप्लिकेट हो रहा है, ये लग से रेप्लिकेट हो रहा है, ये लग से हो रहा है, ये लग से हो रहा है, तो अगर पूरा क्रोमोसोम देखेंगे यूकॉटिक, तो इट विल बिकम डिसकॉन्टिन्यूस। ऑल्दो आपने बोला ही है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूस, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ यू गेट कंफ्यूज जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और सिंपली लिखा है कि अगर हम पूरा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स बन रही है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग दे आर सेपरेट रेप्लिकॉन्स, वो जब बन जाएंगे तो दे विल बी ज्वाइंट टूगेदर बाय लाइगेज, ठीक है। प्रश्न में क्वेश्चन आता था ना एंजाइम्स में, द डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंट बाय विच एंजाइम, उसमें काफी बच्चे आप डीएनए पॉलीमरेज कर देते होते हो प्रश्न में, वो अब समझ आएगा अच्छे से, इट हैज टू बी लाइगेज, ठीक है। उस टाइम में बड़ा आर्ग्यू करते थे आपके टेस्ट में था कि नहीं, इसी प्रश्न के बाद में डाला था, बच्चे परेशान आर्ग्यूइंग, नहीं सर पॉलीमरेज पॉलीमरेज, उनको बोला प्लस टू में आएगा, आ गया ना, इट इज एक्चुअली लाइगेज, फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करनी है ना, न्यूक्लियोटाइड ऐड करने को बोले कि विच एंजाइम हेल्प्स इन एडिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एंड एलोंगेशन ऑफ चेन, देन वी विल से डीएनए पॉलीमरेज, देन फ्रेगमेंट्स हैव टू बी जॉइंड, इट हैज टू बी
लाइगेज. वैसे प्रश्न में तो ये होता कि ज्वाइन वर्ड आ गया तो यू हैव टू आंसर लाइगेज. अब आपको समझ आएगा सारा. तो एक सेमी डिसकॉन्टिन्यूस रिप्लिकेशन. एक और यहां पे एग्जांपल दिया एडीनो वायरस एंड 529 वायरस की. दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट. दिस वायरस हैज गॉट लीनियर डीएनए. इसे थोड़ा रिप्लिकेशन का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है. इसमें क्या होता है कि रिप्लिकेशन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ द एंड्स. रिप्लिकेशन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ द एंड्स. एक यहां से स्टार्ट हो जाती है एंड से, इस एंड से, और दूसरी इस एंड से स्टार्ट होती है. ठीक है, ये इधर बढ़ती रहती है, ये इधर बढ़ती रहती है, तो बीच में इंटरप्ट नहीं होती. ठीक है, नहीं समझ आया. इसमें जिपर रेप्लिकेशन नहीं है, जिपर नहीं है, मतलब खुल रहा है, एक इधर से खुलता है, तो ऐसा नहीं कि ये दूसरे को ऐसा किया था ना, कितनी सेगमेंट ओपन होगी, तो एक में प्रोसीड करेगा, एक में इधर प्रोसीड करेगा. इसमें क्या होता है कि एंड से स्टार्ट होती है, फ्रॉम टू एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. जितने डीएनए मॉलिक्यूल है, एक इस एंड से स्टार्ट होगी और एक इस एंड से. इट इज इंटरेस्टिंग बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो इसमें इट विल बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट विल बी अ, वैसे ऐसे चलती रहेगी अनइंटरप्टेडली, ऐसे चलती रहेगी, क्योंकि स्टार्ट बिल्कुल एंड से हुई है. इसमें भी ऐसे ही, अगर आप इसमें ऐसा करते, अगर आप इसमें से इस केस में शुरू इस एंड से करते, इस एंड से, तो इट वुड हैव प्रोसीडेड कॉन्टिन्यूसली ओनली. तो इसमें ऐसा होता है इस वायरस में, नॉट इंपॉर्टेंट. यू हैव टू आंसर, यू हैव टू से डिसकॉन्टिन्यूस. ठीक है, नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग. उसमें कुछ है नहीं वो समझाने वाला, वही मैंने आपको बताया था. समटाइम्स रॉन्ग बेसिस में भी एडेड इन द डीएनए चेन, और देयर मे बी सम चेंजेस बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और सम अदर चेंज, सम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो सर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियस हैज डिफरेंट मैकेनिज्म्स. वो क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं. प्रूफ रीडिंग मीन्स वो डीएनए जैसे होती है ना रेपिटेशन, साथ साथ प्रूफ रीड भी करते हैं. इफ एनी रॉन्ग बेस गेट्स इंट्रोड्यूस इट इज रिमूव्ड. सो काट देते हैं, काटेगा कौन, रिपेयर एंजाइम्स होते हैं, दे रिमूव इट एंड रिप्लेस इट विद नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, वो रिप्लेस कर देते हैं. यहां पर डायग्राम सी बनी है, नॉट इंपॉर्टेंट. यहां लिखे होंगे एंडो न्यूक्लियस एक्सो न्यूक्लियस, तो ब्रेक ब्रुक करके उसको ठीक कर देते हैं. दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स. ठीक है, अभी इतना ही करेंगे, अभी इसके थोड़ा सा देखते हैं अभी इसमें.